चार्ल्स और हॉल खुद परेशान होने के कारण अब अपने कुत्तों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। खाने को तो उन्हें पहले ही आधा पेट कर दिया जाता था, ऊपर से दिन भर हॉल उन पर चाबुक चलाता रहता था। एक जगह कुत्तों का खाना बिल्कुल समाप्त हो गया। उन्होंने एक बूढ़े गोरे के हाथ अपना शिकारी चाकू और रिवॉल्वर बेचकर कुछ पौंड बर्फ लगा घोड़े का चमड़ा ले लिया। खाने के स्थान पर अब इस चमड़े का प्रयोग किया जाने लगा। कुत्तों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन इसके अलावा खाने की और कोई चीज ही नहीं थी। जब कुत्ते चबा चबा कर इसे अपने पेट में उतारते थे या चमड़े का अनगिनत पतली डोरियां और छोटे छोटे बालों के ढेर के रूप में बिखर जाता था। इसी हालत में बक अपने दल का नेता बना सबसे आगे चलता था। वह किसी तरह गिरते पड़ते गाड़ी को खींचता था और जब नहीं खींच पाता तो गिर पड़ता था। गिरने पर वह तब तक पड़ा रहता था जब तक चाबुक की मार उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर देती थी। वह भी बहुत दुबला पतला हो गया था, चमकदार बालों वाली उसकी खाल की सारी सुंदरता गायब हो चुकी थी। अब कुल 7 कुत्ते बच रहे थे, सभी हड्डियों के ढांचे भर रह गए थे। चाबुक या डंडे की मार के बिना वे कोई काम नहीं करते थे। बक के सभी पुराने साथी एक एक करके मरते जा रहे थे। बक शरीर से कमजोर जरूर हो गया था, मन से दुखी भी रहता था, लेकिन उसका दिल अटूटा था। अब भी वह मेहनत के साथ काम करता था और अच्छे दिनों के सपने देखता रहता था। अब मौसम बदल गया था, बसंत के कारण बर्फ कम होने लगी थी और पेड़ों पर हरियाली लौटने लगी थी। सूरज जल्दी निकलता था और देर में छिपता था। सुबह 3 बजे ही सवेरा हो जाता था और रात में 9 बजे शाम होती थी। झाड़ियाँ हरी होने लगी थी, पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी दिखाई देने लगे थे, ढलानों पर बर्फ के पिघलने से पानी की धाराएं बह निकली थी, नदियों और झीलों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। ऐसे में बर्फ की गाड़ियों को हाँकना और भी खतरनाक हो गया था। पता नहीं चलता था कि किस जगह बर्फ का तल टूट जाए और गाड़ी पानी में धंस जाएगी। सब लोग किसी तरह गिरते पड़ते एक नदी के मुहाने पर पहुंचे, जहां जॉन थॉर्नटन नाम का एक यात्री अपने तंबू में कई दिनों से रह रहा था। थॉर्नटन ने उन लोगों का स्वागत किया और उनके आराम का इंतजाम किया। थॉर्नटन बड़ा चुप्पा आदमी था और बहुत कम बोलता था। जब मर्सिडीज और उसके साथी उससे कोई सलाह मांगते तो वह बस एक दो शब्द बोलकर चुप हो जाता था। पता नहीं क्यों बक को थॉर्नटन से प्यार हो गया था, वह उसे एक भला आदमी लगा। वह मौका पड़ने पर हमेशा थॉर्नटन के आसपास मंडराने लगा। थॉर्नटन भी अक्सर उससे खेलता रहता था। जिस दिन वे लोग रवाना होने लगे, उस दिन चार्ल्स ने थॉर्नटन से पूछा, क्यों, हमने सुना है कि बर्फ के नीचे की तली टूट रही है। हमें तो अभी इस नदी की बर्फ जमी हुई नजर आती है, हम तो इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। थॉर्नटन बोला, भला मैं क्या कह सकता हूँ, खतरा तो है ही। इतना कहकर वह चुपचाप मुस्कुराने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे वह समझ गया कि ये लोग मूर्ख हैं और मूर्खों को सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। चार्ल्स झुंझला कर उठा और कुत्तों की गाड़ी में जोतने के बाद आगे बढ़ने के लिए उन्हें पीटने लगा। सभी कुत्ते बुरी तरह से थके हुए थे और कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। दूसरे कुत्ते तो किसी तरह चलने को राजी हो गए, लेकिन बक ने साफ इनकार कर दिया। उसे बहुत मारा गया, लेकिन वह फिर भी जमीन से नहीं उठा। थॉर्नटन दूर बैठा सब देख रहा था। अंत में वह चुप नहीं रह सका और पास आकर बोला, बस करो, इस कुत्ते को तुम और ज़्यादा नहीं मारो, यह अब आगे जाना नहीं चाहता। वैसे भी इसकी हालत बड़ी ख़राब है, इसे यहीं छोड़ दो। हॉल ने उसे धक्का देकर अलग करते हुए कहा, हटो यहाँ से, यह कुत्ता हमारा है, हम इसे मारे काटे तुम कौन होते हो, हम इसे ज़रूर ले जाएंगे। यह बात उसने इतनी बुरी तरह से कही कि थॉर्नटन को गुस्सा आ गया। अंत में दोनों में हाथापाई होने लगी। थॉर्नटन ने मौका पाकर अपना बड़ा सा चाकू उठा लिया, जिससे वह अपनी कुल्हाड़ी का हत्था बनाने के लिए लकड़ी छील रहा था। चाकू देखते ही चार्ल्स और हॉल पीछे हट गए और मर्सिडीज चिल्लाने लगी। थॉर्नटन ने आगे बढ़कर 2 झटकों में ही बक के सारे फंदे काट दिए। उन लोगों ने झगड़ा आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा, वे दूसरे कुत्तों को हाँकते हुए वहां से आगे बढ़ गए। बक अब गुलामी से आजाद था और थॉर्नटन के रूप में उसे नया दोस्त मिल गया था। चार्ल्स की गाड़ी हिचकोले खाते हुई नदी की बर्फ पर आगे बढ़ती जा रही थी। मर्सिडीज सामान के ऊपर बैठी हुई थी। अभी वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे
कि अचानक घाटी में एक जोर की चीख गूंज उठी। थॉर्नटन ने चौंक कर देखा, चार्ल्स की गाड़ी का सिर्फ चौथाई भाग बाहर नजर आ रहा था और बाकी पूरी गाड़ी बर्फ के फटने से बने हुए एक गड्ढे में डूबी हुई थी। मर्सिडीज जोर जोर से चिल्ला रही थी। थॉर्नटन उनकी मदद के लिए दौड़ा, बक भी उसके साथ ही साथ भागा, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, कुत्ते, आदमी और गाड़ी सब गायब हो चुके थे और उस जगह बने गड्ढे में पानी भराया था। थॉर्नटन और बक ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों वापस अपने खेमे में लौट आए।